यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर कांग्रेस के रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक सपा बसपा की तरफ से कांग्रेस को नया ऑफर मिला है। बताया जा रहा है कि सपा बसपा ने कांग्रेस को 11 सीटों का ऑफर दिया है। पहले कांग्रेस 20 सीटें मांग रही थी, लेकिन अब वो 17 सीटें मांग रही है। साथ ही सूत्रों ने ये भी बताया कि कांग्रेस पार्टी 13+2 15 पर मान जाएगी। आपको बता दें कि सपा बसपा ने रायबरेली और अमेठी की सीट पहले ही कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। बीएसपी और सपा की गठबंधन के बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंपते हुए महासचिव बनाया था, और प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद से सपा बसपा का भी रुख नरम हुआ। हालांकि अखिलेश यादव और मायावती ने लोकसभा के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया है और 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस साल जनवरी में सपा बसपा ने यूपी में गठबंधन तो किया, लेकिन कांग्रेस को अपने साथ लेने से मना कर दिया था। उस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से उन्हें सीटों का नुकसान होगा। बुआ बबुआ की जोड़ी ने महागठबंधन की कवायदों में जुटी कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही भ्रष्ट हैं और कांग्रेस के साथ जाने पर बसपा को वोट शेयर में नुकसान हो सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गठबंधन में कांग्रेस को भी शामिल कर लिया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस का इस नए ऑफर पर क्या तेवर रहता है। आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को भी अभी सब्सक्राइब कीजिए।